देखिए क्या बना हुआ है। करील। जिन्हें नहीं पता है आ रहे थे बकरी तो नदी में सब उधर रुक गई थी, दादाजी इधर आ गए तो पानी भी भर गया था हद से ज्यादा, इसलिए सब कोई बकरी गुजरा नहीं। तभी गए थे तो फिर भी क्या है बकरी सबको पकड़ पकड़ के एक एक करके पानी में पार किए, तब अभी सब आया है घर। तो अभी हमको भी लग गया, बड़ा वाला खांसी था उसको पकड़ने में, इसको अंदर में लगा भी देखते हैं खोल के और पूरा फिर भीग गया और एक तरह से पैंट भी फट गया। दोस्तों अचानक से पानी आने लगा है, पता नहीं खोले जा पाएंगे या नहीं। तो दोस्तों अभी शाम हो चुका है और पूरा सूरज उरज भी ढल चुका है और मस्त एकदम अच्छा लग रहा है यहाँ पर बैठने। इधर जो बच्चा खुचा पेड़ है ना, यही सब यहाँ का मतलब इतना बड़ा फील्ड है ना, मतलब मैदान है, उतना सबका जान रखा है, इतना ही सब अच्छा लगता है। उधर सुरंग वगैरह है तो कुछ दिन नहीं खाना खाए हैं ढंग से, पतला हो गए तो ये भी फिट आने लगा है पूरा। और पेंट तो मत ही पूछिए, इतना ज्यादा ढीला हो रहा है तो मत पूछिए। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के डेली डे ब्लॉग में। और आज हो गया है 7 अगस्त और अभी मैं सुबह सुबह उठ के आया हूँ खेत हल पहुँचाने के लिए, क्योंकि हल लगाना है। तब एक सामान लाए थे और यहाँ क्या बोलते हैं झाड़ी बहुत ज़्यादा है, उसके कारण आ नहीं रहा था तो अभी उसको उधर ही रख रखे, तभी दोबारा लाने जा रहे हैं। तो दोस्तों भी दोनों सामान पहुँचा लिए हैं और अभी जा रहे हैं काढ़ा लाने के लिए। अरे ये तो छेद है चारों तरफ, क्या बोले दोस्तों, पूरा खेते में छेद है, इतना मेहनत ही करना पड़ेगा ना। उस दिन तो एक बार हम लोग आए थे, अंकित बबी सब आया था, करके गया है और हम भी करके गए हैं, एक ही दिन में हो गया। मतलब जितना खेत है ना, बारिश हो रहा था इसलिए वीडियो नहीं बनाए थे, सभी लोग आया था और करके गया है। तो कहीं कहीं सिर्फ बाकी है, बाकी हर जगह अब हो गया है कोड़ी का काम। तो अब सिर्फ इसमें हल लगाना है एक बार, उसके बाद ऐसे ही छोड़ देना है, जो घास है इसका मरेगा, उसके बाद फिर हल लगाते जाना है, उसके बाद सीधा रोपर ख़त्म करते जाना है। ये देखिए कैसा दिख रहा है यहाँ से, दो गो यहाँ पर है, दो गो नहीं है यहाँ पर, एक ही है छोटा वाला, लेकिन बड़ा वाला मतलब होता है ना, मेरे दादाजी सब तीन भाई है तो तीनों एक एक साल करता है। इस साल हम लोग का है करने का, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं बड़ा वाला, और एक यहाँ पर है नीचे, बस यहाँ दो ही है और बाकी सब उधर पहाड़ तरफ है, छोटा छोटा आप लोग देखे होंगे जिसमें हम लोग क्या बोलते गोबर डाल रहे थे, बस वही भर है। तो दोस्तों अभी हम नहीं जा रहे हैं चराने, क्या बोलते हैं जोतने के लिए, दादा जी जा रहे हैं क्योंकि बोल रहे हैं कि बहुत दिन से छूटा हुआ है तुमसे, चलेगा या नहीं चलेगा, इसीलिए एक दिन हमको जाने दो उसके बाद तुम जाना। तो अभी लेके जा रहे हैं और हमको छाता पकड़ा दिए हैं, जा बाबू छतरी पकड़ो और चारा पकड़ा, देखिए लोग फंस चुका है यहाँ, चल और मारने उल्टा कर, चल देखिए वहां खुद के छोड़ दिया तो रोबे करेगा, छोड़िए। तो दोस्तों अभी हमको कॉलेज भी जाना है, अभी 8:30 बज चुका है, तो यहाँ से निकल के जाएंगे फिर वहाँ रास्ता पर, रास्ता से फिर कॉलेज, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है 1.5-2 घंटा जैसा, इसीलिए अभी यहाँ से खेतते हैं, मतलब जानवर सबको खेतते हैं, उसके बाद लेके जाते हैं, दादाजी को बताते हैं कि हमको कॉलेज जाना है, उसके बाद वो खोल के चराएंगे उस सबको, उसके बाद हम चल जाएंगे घर, उसके बाद घर से कॉलेज चल जाएंगे हम। दोस्तों अभी दादाजी खोल दिए हैं जानवर को, आके थोड़ा एथी कर दिए, तो थोड़ा क्या एथी उथी का बोलते रहते हैं हमको खुद समझ में नहीं आता, डायरेक्ट बोलते काहे नहीं हैं हम, तो यहाँ का भी थोड़ा पकड़ दिए, तो दादाजी खोल दिए और अभी जाएंगे चराने और अभी हम जल्दी से चलते हैं, क्या बोलते हैं हाथ पैर मुँह धोते हैं, चलना है कॉलेज, क्योंकि सोचे थे 8:30 बजे निकलते या 8 बजे यहाँ से निकलते तो 2 घंटे में पहुँच जाते, लेकिन यहाँ अभी 9 बजने चला है, अभी घर जाएंगे, खाना खाएंगे या नहीं पता तो नहीं, लेकिन जल्दी में है, अभी देखते हैं कहीं दतुन तोड़ लेते, सुबह तो दतुन करते हुए घर जाएंगे। दोस्तों अचानक से पानी आने लगा है, पता नहीं कॉलेज जा पाएंगे या नहीं, पानी तो आ रहा है देखिए, और हम उधर से दादाजी का छाता अभी लेते आ दिए हैं, तो दिए हमको तो हम घर लेते आ गए, कुछ करिए दिखाइए। तो दोस्तों जल्दी जल्दी में तैयार हो गए और फिर चीज़ दिखा रहे हैं, जो हमको शर्ट बनता नहीं था ना, इधर टाइट होता था, कुछ दिन नहीं खाना खाए हैं ढंग से, पतला हो गए तो ये भी फिट आने लगा है पूरा। और पैंट तो मत ही पूछिए, इतना ज़्यादा ढीला हो रहा है तो मत पूछिए, ये भी थोड़ा टाइट होता था अब पूरा ढीला हो रहा है, बेल्ट के आगे छेद पे छेद करते जा रहे हैं। छाता ना है छोड़ने, तो इतना ज़्यादा ये देखिए, पहले यहाँ पर आता था, यहाँ पर आता था, अब यहाँ देखिए छोड़ के इधर जाना पड़ रहा है हमको, इतना सा जगह छोड़ के इतना पतला होते जा रहे हैं हम, क्या ही बोले।
अरे तो फिट आने लगा तो अच्छा बात है कि जो कपड़ा पहले क्या बोलते थे साइज में नहीं आता था, फिर से साइज में आने लगा है, लेकिन कमज़ोर होते जा रहे हैं वो अलग बात है। तो चलिए अभी चलते हैं क्योंकि आज कीचड़ है, कीचड़ तो है ही है, तो अभी मंजीत भी बहुत ज़्यादा देर से वेट कर रहा था, अभी चलते हैं फिलहाल। अभी रास्ता भी थोड़ा लंबा है दोस्तों, अभी लेट करके आए ना तो मंजीत पूछ रहा है कहाँ जाए भी, हम बोलिए चलो घूम के आते हैं, लेट तो होगा है, कोई दिक्कत नहीं, कॉलेज में चलता है, निकल गया चलो। हाँ तो दोस्तों अभी हो चुका है मतलब दोपहर, हाँ कॉलेज से आ चुके थे घर, उसके बाद आराम किए, थोड़ा सा आराम नहीं किए, थोड़ा सा बैठे, उसके बाद आ गए फिर से बकरी और काड़ा चरावे के लिए, तो थोड़ा काम है दादाजी करने जा रहे हैं इसीलिए हम आए हैं चराने के लिए, तो अभी जा रहा है धीरे धीरे। चल अरे अपनी नहीं है इसलिए इधर से उधर हो रही है, बड़ी दादी की है, चल कर। तो दोस्तों अभी शाम हो चुका है और पूरा सूरज उरज भी ढल चुका है और मस्त एकदम अच्छा लग रहा है यहाँ पर बैठने में, लेकिन अभी जा रहे हैं घर, दादाजी पाला काट दिए इतना सा, इसको लेके चलते हैं और बकरी भी धीरे धीरे आगे जा रहा है, तो चलिए अभी चलते हैं, मस्त लग रहा है, लेकिन जैसे शाम होता है ना बहुत अच्छा लगता है इधर को ना, सुबह और शाम को बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही। इधर जो बच्चा खुचा पेड़ है ना, यही सब यहाँ का मतलब, इतना बड़ा फील्ड है ना मतलब मैदान है, उतना सबका जान रखा है, इतना ही सब अच्छा लगता है, उधर सुरंग वगैरह है तो उधर अच्छा लगता है, लेकिन ये सब पेड़ पौधा नहीं, लेकिन इधर अच्छा लगता है, इधर जितना है ना देखिए कितना अच्छा उड़ रहा है ये गया, और इधर भी देखिए बहुत अच्छा लगता है देखने में। चलिए अभी चलते हैं घर, हमको भी भूख लगा, हम खाए नहीं सुबह से, बस दूध पी के। हाँ तो दोस्तों अभी हम आए थे उधर से क्या बोलते हैं पाला लेके आए घर, दूसरा दादाजी मतलब बड़े दादाजी लेके आ रहे थे बकरी, तो नदी में सब उधर रुक गई थी, दादाजी इधर आ गए तो पानी भी भर गया था हद से ज़्यादा, इसलिए सब कोई बकरी गुजरा नहीं, तभी गए थे तो फिर भी क्या है बकरी सबको पकड़ पकड़ के एक एक करके पानी में पार किए, तब अभी सब आया है घर, तो अभी हमको भी लग गया, बड़ा वाला खांसी था उसको पकड़ने में, इसको अंदर में लगा भी देखते हैं खोल के, और पूरा फिर भीग गया और एक तरह से पेंट भी फट गया, गौतम का पापा वाला, गौतम का पापा का पेंट है, उनके घर में रहते हैं तो पानी मारा तो भीगे थे भाई, और ये भी मेरा ही है लेकिन गौतम पहन के देखिए फाड़ दिया है, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी रोपा के लिए पहन रहे ताकि गंदा होगा ना, इसको फेंक भी देंगे, अभी होते हैं अभी। हाँ खाना भी बन चुका है, हमको भूख बहुत जोर से लगा था ना, आते ही खाना भी मिल गया, एक बार आया कि गए बोले कि सीता बोले कि आइए दोबारा उधर से बकरी लेके, तब तक तो देखें वहाँ बकरी सब फसल है, तो फिर लाए बकरी सबको, अभी देखिए क्या बना हुआ है, आ हा हा करील, जिन्हें नहीं पता है ये बांस का करील है, आ हा हा बांस का ये होता है, हाय 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 क्या ही मैं बोलूँ, क्या ही सब्जी बनाए। और अभी थोड़ा देर बाद जाएंगे मम्मी को लाने के लिए, क्योंकि मम्मी बाजार गई है और क्या बोलते हैं बड़ी मम्मी भी गई है साथ में, तो बोली थी आना आधा रास्ता, क्योंकि अंधेरा हो जाता है ना इसीलिए, तभी खाते हैं, मुंह में पानी आ गया, अगले छोड़ हाँ तो खा लेते हैं, उसके बाद जाते हैं धो लेते हैं कपड़ा चेंज कर लेते हैं उसके बाद। ठीक है, अगर ये दो दिन का ब्लॉग था या एक दिन का ब्लॉग था, अगर लंबा हुआ होगा तो दो दिन करके डाले होंगे, और छोटा था तो एक ही दिन के डालेंगे, तो ठीक है मिलते तब तक नेक्स्ट ब्लॉग ले, तब तक के लिए बाय।